हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी आज हम बात करने वाले हैं सरगई वीनो गैट्सकी के बारे में ठीक है सरगई वीनो गैट्सकी का बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन रहा है सोइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा रहा है सोइल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है यानी कि सोइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रजेंट हैं उनकी स्टडी करना ठीक है तो सोइल के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रजेंट होते हैं जो कि सोइल को क्या करते हैं बेनिफिशियल भी बनाते हैं और उसको बेकार भी बनाते हैं यानी कि हार्मफुल भी कर देते हैं जिसकी वजह से प्लांट को डिजीज़ भी हो जाती है तो उन सभी माइक्रोस की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं सॉइल माइक्रोबाइलॉजी जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहा है सरगई वीनो गैस का ओके सरगेव इनोग्रेट्स की बॉर्न हुए थे 1856 के अंदर फर्स्ट सितंबर 1856 एंड उनकी जो डेथ हुई थी 1953 के अंदर हुई थी ये एक रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे इकोलॉजिस्ट थे सॉइल साइंस हु पाइनोइड दी साइकिल ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट ठीक है इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ये कौन थे एक रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे इकोलॉजिस्ट थे और एक सॉयल साइंटिस्ट थे ठीक है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ठीक है साइकिल ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने ही दिया था फिर नेक्स्ट है विनोग्रेट्स के डिस्कवर दी फर्स्ट नोन फॉर्म ऑफ लिथोट्रॉपी विनोग्रेट्स के ही ने क्या किया था फर्स्ट नोन फॉर्म जो है लीथोट्रॉपी की ड्यूरिंग हिज रिसर्च विद बिग्योटा इन 1887 ठीक है इन्होंने ही बताया था किसके बारे में लिथोट्रॉपिक के बारे में बेसिकली लिथोटॉपिक का मतलब क्या होता है ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं इन ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं ठीक है उनको हम बोलते हैं लिथोट्रॉप्स या लिथोट्रॉपी ओके तो जब ये रिसर्च कर रहे थे बैगियोटा पे 1887 के अंदर उस टाइम पे ही इन्होंने कॉन्सेप्ट को जाना था उसको डिस्कवर किया था लिथोट्रॉपी को ठीक है नेक्स्ट है ही रिपोर्टेड दैट बिग्योटा ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड इन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि जो बिग्योटा है ठीक है वो क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज़ कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड को एच टू एस एज एन एनर्जी सोर्स एंड फॉर्म्ड इंट्रा सल्फर ड्रॉपलेट एच टू एस को यूज़ करके वो क्या कर रहा है एच टू एस को एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहा है और फॉर्म कर रहा है इंट्रा सेलुलर सल्फर की ड्रॉपलेट्स को ओके इज रिसर्च ऑन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसके साथ साथ इनकी रिसर्च रही है नाइटिफाइंग बैक्टीरिया पे भी वुड रिपोर्ट द फर्स्ट नॉन फॉर्म ऑफ कीमोट्रॉपी कीमोटोट्रोपी जब ये याइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पे भी इनकी बहुत रिसर्च रही है इसके साथ उसी टाइम पे जब ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे उसी टाइम पे इन्हें एक नई और डिस्कवरी की कीमो ऑटोट्रॉपी की ठीक है कीमो ऑटोटॉपी का बेसिकली मीनिंग क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी केमिकल का यानी कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है थीके? तो कीमो आ, कीमो ऑटोट्रॉपी क्या है कीमो ऑटोट्रॉपी यानी की कि जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो खुद से यूज़ करके क्या कर रहे हैं एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉपी जो कि किसने दिया है आपके सरगई वीनो गैस की ने ठीक है शोज़ हाउ ई लिथोट्रॉप फिक्स कार्बन डाईऑक्साइड टू मेक ऑर्गेनिक कम्पाउंड तो कीमो ऑटोट्रॉपी के थ्रू इन्होंने बताया कि कैसे एक लिथोट्रॉप कैसे एक लिथोट्रॉप सी ओ टू को फिक्स करके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करता है ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है सी ओ टू को कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ठीक है नेक्स्ट है ही आइडेंटिफाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्लिगेट एनारोब क्लोस्टीडियम पाचूरिनम इज ए फ्री लिविंग माइक्रोब इसके साथ साथ इन्होंने डिस्कवर किया एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को जिसका नाम है क्लोस्टीडियम पाशूडिनम क्वेश्चन पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड द एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है मार्टिनस विलियम बेजरिंग कौन सा बैक्टीरिया है क्लोस्टीडियम पाशूरिनम ठीक है क्लोस्टीडियम पाचूरीनम को डिस्कवर किया था और इन्होंने ही बताया था कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या एनारोबिक है ठीक है फ्री लिविंग माइक्रोब है कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड नॉट लिविंग इन नो लेग्यूम रूट नोड्यूल्स और ये रूट नोड्यूल्स जो है लेग्यूम की वहाँ पर नहीं मिलता है ठीक है ये क्या है फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है फ्री लिविंग माइक्रोब जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है एनारोबिक है नाम क्या है इसका क्लोजीडियम पाश्रीनियम डिस्कवर किसने किया सरगई विनोगेट्स की ने ठीक है किसने सरगई विनोगेट्स की ने नेक्स्ट ही डिस्कवर विनोग्रेट्स के कॉलम इन्होंने जैसे कि इनका नाम है सरगई विनोग्रेट्स की इन्होंने विनोग्रेट्स की कॉलम भी डिस्कवर किया विनोग्रेट्स की कॉलम बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर क्या होते हैं आप लार्ज नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है वीन ऑर्गैस की क्या है एक ऐसा कोलम है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हो यानी कि एक सिंपल डिवाइस फॉर कल्चरिंग ए लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये क्या है सिंपल डिवाइस है जो कि कल्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके ही ऑल्सो टेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन कार्बन एंड सल्फर साइकिल इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है वो इन्वॉल्व होते हैं आपकी नाइट्रोजन साइक नाइट्रोस नाइट्रोजन साइकिल के अंदर भी कार्बन साइकिल के अंदर भी एंड सल्फर साइकिल के अंदर भी यानी कि माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जो साइकिल्स हैं ठीक है ठीके? जो हमारी साइकिल ऑफ लाइफ है यानी कि जो नाइट्रोजन कार्बन ठीक है ये जो सभी जो साइकिल हैं किसकी वजह से चल रही हैं ये चल रही हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से और माइक्रो माइक्रोब्स का इनके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सो बेसिकली साइकिल ऑफ लाइफ का जो मतलब है वो क्या है बायोजियो केमिकल साइकिल्स बायोजियो केमिकल साइकिल्स जैसे कि आपकी नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल ठीक है सल्फर साइकिल ये सभी जो साइकिल्स हैं इनके अंदर भी क्या है आपका इन्वॉल्व कौन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू ये साइकिल्स क्या होती हैं चलती हैं ठीक है थीके? तो दैट्स ऑल फॉर टूडे ये है आपका सरगई वीनो गेट्स की कॉन्ट्रीब्यूशन आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं And if you like it, you can like, share and subscribe to my channel. Bye-bye.